हेलो गाइस, वेलकम टू ध्रुव पंचाल ट्यूटोरियल चैनल। तो आज हम देखते हैं कि बायो मॉलिक्यूल्स का एक शॉर्ट रिवीजन, जिसमें हम शॉर्ट नोट पढ़ के पूरा चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड क्या है? तो 20 मोनोसेक्राइड्स आर अकर इन नेचर। अ कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट बी हाइड्रोलिज फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन, एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोस। तो ये सब मोनोसेक्राइड है, जो जो बेसिकली 20 मोनोसेक्राइड हमारे नेचर में अकरिंग करते हैं, जो वाटर्स के साथ हाइड्रोलिज नहीं करते। तो सुक्रोस H2O, तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। मेल्टोस का हम H2O के साथ रिएक्शन करेंगे तो 2 मोलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज मिलेगा। ऐसे ही आगे देखते हैं तो पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट ऑन हाइड्रोलिसिस गिव लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन शुगर नॉन स्वीट टेस्ट। तो जो भी कार्बोहाइड्रेट है जो लार्ज अमाउंट में हाइड्रोलिसिस करके मिलते हैं, उसको नॉन शुगर यानी नॉन स्वीट टेस्ट और पॉलीसेक्राइड कहते हो। फिर रिड्यूसिंग शुगर, ये नॉन शुगर थे। ये रिड्यूसिंग शुगर में क्या होता है? तो जो भी कार्बोहाइड्रेट फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस सॉल्यूशन के साथ रिएजन करते, कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस करता है, उसको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। मेल्टोज और लैक्टोज उसके एग्जाम्पल है। फिर देखते हैं डाइसेक्राइड्स। अल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप आर बाउंडेड आर कॉल्ड द नॉन रिड्यूसिंग शुगर, एग्जाम्पल सुक्रोज। तो किसी भी डाइसेक्राइड में अल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, बॉन्डेड है, तो वो उसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, उसका एग्जाम्पल है सुक्रोज। फिर आता है प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। तो उसका प्रिपरेशन सुक्रोज से कर सकते हैं तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा उसका। और फिर स्टार्च से करेंगे हम, एन नंबर ऑफ मोल्स रखेंगे, 2393 केल्विन एंड 223 ATM, तो हमें ग्लूकोज n टाइम्स मिलेगा। फिर आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में क्या होता है? बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को सबसे पहले 6 कार्बन इन स्ट्रेट लाइन, सबसे पहले ये देखा गया कि 6 कार्बन हमारे स्ट्रेट लाइन में है। CHO CHOH 4 टाइम्स CH2OH, तो ये अल्कोहलिक ग्रुप है और ये एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो एच आई के साथ हम रिएक्शन करेंगे तो हमें एन एक्सेन मिलता है। ये प्रूव करता है कि ये 6 कार्बन रिंग है, स्ट्रेट लाइन है। फिर आता है NH2OH, उसके साथ रिएक्शन करके हमें इधर CH डबल बॉन्ड NOH, तो ये हमें कंफर्म करता है, दिस रिएक्शन कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप प्रेजेंट है इसमें, यह प्रूव करता है, कंफर्म करता है। HCN के साथ करेंगे तो इधर CN जुड़ जाएगा और OH, इधर NH2OH के साथ करेंगे तो NOH। वैसे इजी है। कार्बोनेट ग्रुप इज एज एन अल्डिहाइडिक ग्रुप। तो ये प्रूव कंफर्म करने के लिए हमने कौन सा ब्रोमीन वाटर का टेस्ट किया है? ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें ग्लूकोनिक एसिड मिलेगा। फिर कंफर्म 5OH ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप कंफर्म करने के लिए हमने एसिटिक एनहाइड्राइड का उपयोग किया है तो हमें C डबल बॉन्ड O CH3 O C डबल बॉन्ड O CH3 एसिड मिल। हमारी अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट, तो ये कंफर्म करने के लिए हमने क्या किया? अगर हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें सैकेरिक एसिड मिलेगा, और ग्लूकोनिक एसिड का भी ऑक्सीडेशन करेंगे तो भी हमें सैकेरिक एसिड में, इधर CHO COH और इधर CH2OH COH में, ये भी COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आता है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हमें कैसे पड़ता है, चलता है? तो ये CHF टेस्ट, यानी कि ग्लूकोज इसका टेस्ट नहीं देता है। ग्लूकोज डू नॉट गिव CHF टेस्ट एंड डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोडक्ट विथ NaHSO3। तो इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का कंफर्म करने के लिए टेस्ट किया जाता है। तो इसमें आता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। फिर आता है पायरेनोस, उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इधर ओल जुड़ता है। फिर आता है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज एक कीटो एक्सोज है जिसमें CH2OH और इधर C डबल बॉन्ड O। ये फ्यूरेनस 5 मेंबर रिंग एंड फ्यूरेनोस विथ कंपाउंड फ्यूरेन 1 ऑक्सीजन एंड 4 कार्बन। 1 2 3 4 कार्बन है इसमें और एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। 2 टाइप ऑफ अल्फा एंड बीटा फ्रुक्टोफ्यूरेनोस, तो ये 2 टाइप्स का होता है।
फिर आता है डाइसेकराइड। ऑन हाइड्रोलिसिस गिव टू मॉलिक्यूल्स सेम और डिफरेंट। अगर हम किसी भी हाइड्रोलिसिस करेंगे कार्बोहाइड्रेट का, तो हमें सेम ग्रुप मिलता है या डिफरेंट, तो वो डाइसेकराइड होता है। फर्स्ट एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो हमारे सुक्रोज में पाया जाता है, C1 कार्बन और C2 कार्बन और टू डिफरेंट अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज के साथ। तो ये इसको ये लिंकेज को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। फिर मेल्टोस में क्या होता है, बोथ आर अल्फा डी ग्लूकोज, बोथ दोनों अल्फा ही डी ग्लूकोज। हमने आगे देखा था टू आर सेम और डिफरेंट, तो ये डिफरेंट है, ग्लूकोज या फ्रुक्टोज है, दोनों ग्लूकोज ही है। तो लैक्टोज का क्या है, इट इज़ फाउंड इन मिल्क, हमें मिल्क से लैक्टोज मिलता है जो उसका कंपाउंड बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से बना हुआ है, C1 और C4 ऑफ ग्लूकोज। तो इधर ये गैलेक्टोज बना हुआ है CH2OH, और इसका वन कार्बन फिर ऐसे जुड़ के इधर फोर्थ कार्बन के साथ जुड़ा है, तो इसका है C1 और C4, ये ग्लूकोज के साथ है, ये गैलेक्टोज है, तो ये लैक्टोज का स्ट्रक्चर है, ये लिंकेज है दोनों। फिर आता है पॉलीसेकेराइड स्टार्च, जिसमें स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ऑफ द प्लांट, इट इज पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड कंसिस्ट ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो जो स्टार्च होता है वो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से बना हुआ होता है। उसमें क्या होता है, अमाइलोज इज द वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट, 50-20% स्टार्च, केमिकली लॉन्ग अनब्रांच। तो इसमें लॉन्ग ब्रांचेज होते हैं, अनब्रांच होता है, यानी अगर अमाइलोज के बारे में हम देखें तो इधर भी ब्रांच देख सकते हैं, C1 C4 के बीच में अल्फा लिंक जुड़ी हुई होती है, इसमें अनब्रांच नहीं होता है, लॉन्ग अनब्रांच अमाइलोज में। फिर अमाइलोपेक्टिन हम देखेंगे तो इधर इसमें भी लिंक होता है, जो अल्फा लिंक तो अल्फा लिंक है तो होता ही है, लेकिन अमाइलोपेक्टिन में जो इनसोल्यूबल है वाटर में, उसका स्टार्च के जैसा, यानी C1 C4 तो है लेकिन C1 C6 का भी ब्रांच होता है। तो ये सेल्यूलोस, सेल्यूलोस क्या होता है, तो इट इज द कंसिस्ट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल, सेल्यूलोस इज स्ट्रेट चेन कंपोज ओनली ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट विच आर जॉइन बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज C1 एंड C4 ऑफ ग्लूकोज यूनिट। तो C1 और C4 यूनिट के बीच में जो लिंकेज होती है ग्लाइकोसाइडिक सेल्यूलोस, वो उसको सेल्यूलोस कहते हैं, ये बीटा लिंक होता है। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या होता है, तो ये एनिमल स्टार्च सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड मोर हाईली ब्रांच फाउंड इन ईस्ट एंड फंजाई। टू ऑल्डो पेंटोस डी राइबोज एंड टू डीऑक्सी राइबोज आर प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। फिर प्रोटीन के बारे में देखते हैं, मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑफ लिविंग सिस्टम ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। पॉलीमर अल्फा अमीनो एसिड के ही प्रोटीन, हमारे अल्फा अमीनो एसिड के ही पॉलीमर है। फिर अमीनो एसिड के बारे में, इट कंटेन NH2 ग्रुप मीन अमीनो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड एंड इसेंशियल। नॉन इसेंशियल में क्या आता है, जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज करता है उसको नॉन इसेंशियल बोलते हैं, और जो नहीं करता उसको इसेंशियल बोलते हैं। तो जो हमारे डाइट के थ्रू आना चाहिए, वेलाइन ल्यूसिन लाइसिन एर्जेनिन, वे सब इसेंशियल है। फिर अमाइनो एसिड के बारे में, तो उसमें क्या है, अमाइनो एसिड आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट बिहेव लाइक सॉल्ट रेदर देन सिंपल अमाइन एंड और कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप इन सेम मॉलिक्यूल्स। तो एसिडिक और बेसिक दोनों हो सकते हैं अमाइनो एसिड, ये कलरलेस है और ये कोई भी तरह का बिहेव कर सकते हैं, लाइक सॉल्ट की तरह बिहेव करता है। और ज्विटर आयन जो न्यूट्रल बट कंटेन बोथ एसिडिक एंड एसिडिक और मींस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, इट सो एम्पोटेरिक नेचर, और इसको इसलिए ज्विटर आयन बोलते हैं। फिर प्रोटीन के बारे में, मैंने पहले ही बताया कि ये पॉलीमर है अल्फा अमीनो एसिड का, और ये पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज से जुड़ा हुआ है, जो आप इधर देखते हैं COOH, जिसको हम ग्लाइसिल एनालिन GLYALA दिखाया हुआ है, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज है, दोनों NH2 CH2 COOH, फिर NH2 CH3 COOH, इसका वाटर, उसमें से वाटर निकाल लेंगे तो हमें पेप्टाइड लिंकेज मिलते हैं। फिर नोट है, इंसुलिन कंटेंट 51 अमाइनो एसिड, जो इंसुलिन होता है उसमें 51
अमाइनो एसिड होते हैं, फिर फाइब्रस प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड चेन पेरलर एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड, दीस आर इनसोल्युबल इन वाटर। एग्जाम्पल आर द केराटीन एंड मायोसिन प्रेजेंट इन मसल। जो हमारे मसल्स में होता है केराटीन एंड मायोसिन, जिसमें हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड की लिंकेज होती है, तो ये फाइब्रस से। फिर आता है ग्लोब्यूलर, तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन में क्या होता है, ये वाटर सोल्यूबल है, फाइब्रस इनसोल्यूबल था। इसमें इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन आर द एग्जाम्पल ऑफ द ग्लोब्यूल प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड चेन द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन सी डबल बॉन्ड ओ एंड एन एच ग्रुप ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, अल्फा हेलिक्स जैसा जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। मेन फोर्स विच स्टेबलाइज द 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड लिंकेज वंडरवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो 2 डिग्री और 3 डिग्री को स्टेबलाइज करने के लिए हमें ये सब फोर्स लगाने पड़ते हैं। फिर आता है प्रोटीन इन नेटिव फॉर्म, फिजिकल चेंज इज टेम्परेचर और केमिकल चेंज लाइक पीएच और हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड एंड हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड, इसको डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बहुत ही JEE नीट सब में आता है कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, एक के बारे में कोगुलेशन ऑफ एक क्या होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे टेम्परेचर चेंज होता है और केमिकल प्रॉपर्टी जैसे पीएच में चेंज हो जाता है, वैसे उसको डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। फिर एंजाइम्स के बारे में, तो एंजाइम्स दैट कैटालाइज़ द हाइड्रोलिसिस ऑफ मेल्टोज इनटू ग्लूकोज इज नेम एज मेल्टास। तो जो एंजाइम्स मेल्टोस और मेल्टोस को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है उसको मेल्टास बोलते हैं। फिर ऑक्सीडो रिड्यूक्टोज एंजाइम्स विच कैटालाइज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ वन सब्सटेंस विद साइमल्टेनियस रिएक्शन ऑफ अदर सब्सटेंस। फिर आता है विटामिन, फैट सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल में क्या आता है, जो वाटर के साथ इनसोल्यूबल हो, विटामिन ए डी ई के स्टोर्ड इन लीवर और एडिपोज। फिर वाटर सोल्यूबल जिसमें बी के सभी विटामिन आ जाते हैं और विटामिन सी जो वाटर में सोल्यूबल है। दे आर ग्रुप टुगेदर वाटर सोल्यूबल विटामिन सप्लाइड टू डाइट, इट इज़ नॉट स्टोर इन बॉडी, ये हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होते। ये मैंने विटामिन ए बी वन बी टू बी सिक्स का एक टेबल दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम देखते हैं कि डीएनए एंड आरएनए। डीएनए मॉलिक्यूल सुगर मायोटी बीटा डी टू डाइऑक्सी राइबोस, वेरस इन आरएनए मॉलिक्यूल इज बीटा डी राइबोस। तो बीटा डी राइबोस है इधर, बीटा डी टू डीऑक्सी राइबोस। फिर डीएनए में एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन आता है, आरएनए में एडेनिन गुआनिन साइटोसिन यूरेसिन, इसमें थायमिन है इसमें यूरेसिन, ये सभी का स्ट्रक्चर है। फिर आता है आरएनए मॉलिक्यूल्स है वो 3 टाइप्स, मैसेंजर राइबोसोमल और ट्रांसफर। प्रोटीन आर सिंथेसाइज बाय वेरियस आरएनए मॉलिक्यूल्स इन सेल, बट मैसेज फॉर सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन इन प्रेजेंट इन डीएनए होता है। यह न्यूक्लियोसाइट का स्ट्रक्चर है। और थैंक यू, यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है बायोमोलिक्यूल्स। थैंक यू।